आज 10 अगस्त रामपुर की तहसील बिलासपुर में एक हृदय विदारक घटना हुई। बिलासपुर के मोहल्ला भट्टी टोला निवासी नवाब जान का 35 वर्षीय पुत्र गुड्डू, जो कि मजदूरी का काम करता है, दोपहर जब खाना खाने के लिए घर आया तो उसके परिजनों ने उसको बताया कि पंखे में करंट आ रहा है। गुड्डू बिना खाना खाए ही पंखा ठीक करने के लिए पंखे के पास पहुँच गया। जैसे ही उसने पंखे को ठीक करना चाहा, पंखे के उतरे भारी करंट ने उसको अपनी चपेट में ले लिया और उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने गुड्डू को उठाकर एक कच्चे मकान में मिट्टी में उसके जिस्म को खोदने की कोशिश करी ताकि उसके जिस्म के अंदर में कुछ रवानी आए, लेकिन कुछ नहीं होने पर उसको एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित की। डॉक्टर की खबर सुनते ही परिजनों में काफ़ी कोहराम मच गया और सब लोग परेशान हो गए। बिलासपुर से हमारे रिपोर्टर नजीबुल्ला खान का कहना है कि गुड्डू बिजली का काम जानता था, इसलिए वो एकदम बेबाक तरीके से पंखा ठीक करने के लिए चला गया था। बिलासपुर से नजीबुल्ला खान की रिपोर्ट के साथ रामपुर से मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपर्ट। समीदा देखो, मैंने कहा वो लौनी है, लौनी तो है, वो बुलाने गई बच्चे की बात है। अब वो तो कहीं आना चाहिए, मैं तो अपनी बहन को भेज देता हूँ वाली को। पानी से भागता है ये, निकल जाता है।